बिहारी कटराधा एजेंसी और आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। और ये आज होने वाला है ब्लॉग और आप देख सकते हैं मैं रेडी हूँ क्योंकि मैं फोटोशूट वीडियो बना रही थी आज भी। और किसी ने बोला था ये डंगली पे लाने के लिए तो मैं इस पे लेके आ गई हूँ और भी बहुत सारे हैं उन सब पे भी आएंगे फटाफट से जितना जल्दी हो सके मैं लाने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए ये यहाँ पे इसका शूटिंग चल रहा है। और अगर आपको मेकअप के टिप्स चाहिए बिगनर्स हो तो आप ज़रूर इनके चैनल पे जाइएगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आप लोग वहाँ से देख लेना, क्योंकि ये ऐसा मेकअप बताती है जो सिंपल रहता है, हर लोग कर सकते हैं, तो इसलिए मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि जो लोग फोटोशूट करेंगे वो तो रेडी पहले होंगे ही, तो आप देख लेना मेकअप। और ये लुक ईद का लुक है, ईद मेकअप लुक है, तो आप में से अगर कोई होगा जो ईद के दिन रेडी होना चाहता है और मेकअप देखना चाहता है सिंपल मेकअप, तो आप लोग जरूर ट्राई करना, क्योंकि मैं पास से दिखा देती हूँ कम मेकअप। तो ये बहुत सिंपल मेकअप है और बहुत अच्छा लगा मुझे भी, तो आप लोग को भी ज़रूर अच्छा लगेगा, तो एक बार ज़रूर इनके चैनल पे जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जा रही हूँ मैं, बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि मेरा ये फ़ोटोशूट करे फटाफट से, बट ये अचानक से अपना मेकअप वीडियो बनाने लगी और मैं रेडी होकर बस वेट कर ही जा रही हूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि आज ना मेरी तबीयत ठीक है, सब ठीक है, और ये अचानक से बोली ना मैं भी रेडी हो गई, ये भी रेडी हो गई, तो मैं वेट कर रही हूँ कि इसका जब वीडियो शूट हो जाए तो मेरा फटाफट से कर ले ये। तो कोई नहीं, मैं पिछले शायद एक घंटे से वेट कर रही होंगी, ये कवर हो गया वेट करते करते, और अब लग रहा है जैसे मुझे नींद आ जाएगी बिकॉज मैं ये सब ड्रेस पहनती नहीं हूँ तो कम्फर्टेबल सा नहीं है, ऐसे पैर नहीं मोड़ रहा ऐसा हो गया है, तो बहुत ओहो, तो जल्दी से सोच रही हूँ पिक ले लूँ तो शूट कर लूँ। और लहंगा पे भी आएगा जल्दी और शर्ट पे एंड टी शर्ट पे और जैकेट पे, वो भी बहुत जल्दी आएगा, आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल। देखिए ये यहाँ पे रेडी हो रही है चूड़ी वगैरह पहन के, तो मैं इसलिए ये कैप्चर कर रही हूँ बिकॉज सही में इसका ये मेकअप बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर एक बार देखना। कब तक आएगा ये वीडियो? तो कल मेरा ब्लॉग जाएगा तब ना, कल डेट बता दो, शायद ये ब्लॉग जाने से पहले इसका वीडियो आ चुका होगा, है ना? आज 10 है शायद, 11 को आ चुका होगा ये वीडियो, क्योंकि मेरा तो ये ब्लॉग 11 को नहीं जाएगा, मेरा शायद ये 12 को जाए। तो चलिए इनका शूटिंग हो रहा है, फाइनली अभी मैं जा रही हूँ फ़ोटो लेने और अभी भी इसको रील्स बनाने हैं, बट मैं बोली कि जल्दी मेरा ले लो ताकि मैं ड्रेस चेंज करूँ, तो इसलिए जा रही हूँ फटाफट से पिक ले लेने, तो ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली मेरा फ़ोटोशूट हो चुका है ना, अब इसका बाकी है, तो चलिए ये अपना वीडियो भी बनाएगी, फोटोशूट शायद ना करवाए बट वीडियो बनवाएगी। मैं ज़्यादा फ़ोटो नहीं लेती, या मुझे बहुत शौक है फोटो लेने का, मुझे भी शौक है बट मैं उतना नहीं लेती, क्यों नहीं लेती? आई डोंट नो, क्योंकि हाँ मैं बहुत चूजी है, आप समझते होंगे, पता है अगर जैसे 10 पिक होगा ना उसमें से 9 डिलीट कर देगी कि अच्छे नहीं है, जबकि सब अच्छे होते हैं, और मेरा इसलिए हम दोनों में बहस भी हो जाता है। और मेरा क्या है, मैं जितना पिक लेती हूँ मैं क्योंकि इसका सारा पिक मैं लेती हूँ और मैं बहुत अच्छा लेती हूँ, और ये सारा मेरा पिक सारा ये लेती हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो ये कैसा लेती है, मुझे नॉट डिलीट करना पड़ता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट मैं इससे बोलती हूँ कि मुझे फोटो मतलब फोटोग्राफी करने नहीं आता है कुछ, मैं हमेशा इससे बोलती हूँ मुझे नहीं आता है, बट ये तो समझ में आता है ना कि कैसे अच्छी लग रही हूँ, अगर मैं खड़ी नहीं हूँ अच्छी तो ऐसे भी ले लेगी, ऐसे भी खड़ी बताना चाहिए टाइट खड़े हो गए तो ये वीडियो में ही झगड़ा करेगी क्या? नहीं वैसे अच्छा होता है इसका पिक बट इससे भरोसा नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी तरह सुंदर नहीं हूँ, ओह गॉड, इतना मेकअप करने के बाद भी इसकी जैसे सुंदर नहीं लग रही हूं। नो, ये मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है और ये मानती नहीं है, पूरा दुनिया जानता है, या हाँ तुम कैमरा ही लग कैमरा बोली ना, अभी कैमरा पे आँख डाली थी, सोचिए एक पिक कैसा लेती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, सब परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ,
बेचारी इतना सीरियस नहीं होने की जरूरत, आप तो तुमको दिलासा दे दो तो ये बहुत अच्छा पिक लेती है, सोचे इतना अच्छा पिक लेती है, मैं एक पिक सेलेक्ट कर ही रहती हूँ। तो चलिए अब जा रही हूँ मैं इसका वीडियो, नहीं मैं नहीं बनाऊंगी ये खुद बनाई, नहीं तुम भी बना देना, तुम ही ना बोली ट्राइपॉड में सेट करके बनाऊंगी, नहीं तुम भी बनाना, तुम्हारे साथ भी बनाना है। ओह तो हम दोनों जा रहे हैं वीडियो बनाने और शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में फिर। सो मैं ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ और क्योंकि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ये थोड़ा सा अपना वीडियो बना रही है रील, और देखिए खुद से, और मुझे बहुत ज़्यादा ही उसमें गर्मी लग रहा था, सो फाइनली मैं चेंज करके बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने पापा के लिए। तो देखिए आँख ऐसे ऐसे कर रही है बिकॉज अच्छी लग रही है, सो इसलिए हाँ। तो क्यों लगाई लाइनर लगाने से पता नहीं क्यों, लाइनर नहीं कोई भी आईज मेकअप करो तो बहुत ज़्यादा वो होती, और ज़्यादा दिन पे की भी हूँ सो इसलिए बहुत टाइम बाद मैं की हूँ, आई थिंक एक मंथ होली के मैं मेकअप की हूँ। तो मैं तो फेस में कुछ लगाना ही छोड़ दी हूँ, बस लिपस्टिक लगा लेती हूँ क्योंकि गर्मी के दिन में और मेरा फेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, कुछ भी लगाती हूँ तो बहुत सारे दाने हो जाते हैं, सो इसलिए अभी मैं बहुत जितना हो सके मैं छोड़ रही हूँ कि कुछ नहीं लगाऊंगी, तो वीडियो बनाना होता है तो हाँ बस लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बचेगा काफ़ी पैसे बचेंगे वैसे ही बचता है क्योंकि हम लोग लगाते हैं क्या पता एक्सपायर कर जाता है रखे। मैं तो वीडियो बना रही हूँ तो लगाती हूँ, ऐसे नहीं ऐसे हम लोग बीबी क्रीम पे रह जाते हैं। हाँ तो चलिए अब जा रही हूँ चाय बनाने, तो मिलते हैं। तो अंधेरा आ रहा होगा बट ये मेरी मम्मी अभी सो के उठी है चाय पीने के लिए, देखिए सो एक पानी पी रही है। तो अभी मम्मी सो के उठी है, चाय बनाई थी मैंने जगह ही है ना मम्मी, तो मम्मी थोड़ी बहुत ठीक है थोड़ी बहुत बट अभी वीकनेस पूरा है, कंघी मांग रही है, क्यों कंघी मांग रही हो तो देखिए ये मतलब एक हेयर स्टाइल में बना नहीं सकती है, इसको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, तेल है गाइस, फिर भी अच्छी लग रही हो, वो वाला बहुत अच्छा लग रहा था, पोनीटेल की थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो क्यों खोल ली, क्योंकि इसको यहीं एक लुक करना होता है जो ये अभी कर रही है ना, मतलब हमेशा बस ऐसे कर लेगी, और कुछ होता नहीं, और होता नहीं है, होता है बहुत कुछ, इसको पसंद नहीं आता, मैं बोली ना बहुत ज़्यादा चूजी इंसान है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। तो चलिए मिलती हूँ, तो सोचिए ये आधा घंटा से है और एक भी रील्स नहीं बनाई है, तो गुस्सा आएगा नहीं है, अभी मैं 4-5 बना चुकी होती, तो बहुत ज़्यादा बोलते ना परफेक्शन चाहिए होता है इसको, जो मुझे इसका ये नेचर नहीं पसंद, और मैं इसको सुधार के रहूँगी, ये चीज़ आराम से रहो जैसे हो वैसे रहो, मेरा यही कहना है। तो चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों आज भूख लग रही है, तुमको भी भूख लगा है क्या? हाँ मुझे भी भूख लग रही है, तो देखती हूँ क्या करूँ, ऑन कर दो ओके, अच्छी लग रही हूँ कैसे, या अच्छी लग रही हूँ, तो चलिए ऑन करके मैं देखती हूँ क्योंकि गर्मी तो बहुत है सही में। तो चलिए और ये बैकग्राउंड देख रहे हैं तो इग्नोर करिएगा क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली से होंगे वो जानते होंगे ये सब तो रहता ही है, तो चलिए चलते हैं क्योंकि ये सब निकाल दूँ क्योंकि ये बहुत कमज़ोर टाइप है तो टूट जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ ये सब निकाल दूँ, चलिए मैं निकाल देती हूँ। तो मैं इतना सारा काम करके आ चुकी हूँ बट इसको देखिए ये अभी तक अपना वीडियो ही बना रही है, और बना या नहीं दो बना मतलब एक घंटा हो चुका होगा, एक घंटा में दो वीडियो, ओ गॉड देखिए यही करती है, पानी मांगेगी फिर खाने को मांगेगी बट रेस्ट नहीं करेगी। आज बहुत दिन बाद इस तरीके से मैं रेडी हूँ तो सोचूँ कि फ़ोटो कुछ ले लूँ और वीडियो भी बना लूँ, रील्स मैं रील्स ज़्यादा नहीं बनाती है ना, मैं सोचूँ कि बना लूँ कुछ इस गेटअप में, चलिए इसको पानी दे देती हूँ फिर मैं गंदा क्यों ले रही हूँ, सॉरी जल्दी से ले जाओ ऐसे ले जाओ तो बहेगा मेरा मुँह। मैं अपना खाना ले चुकी हूँ और जा रही हूँ खाने, और बहुत टाइम से भूख लगा था मुझे बट फोटो शूट कर रही थी तो नहीं खा पा रही थी, अब मैं खा लूँगी, और मैं क्या ली हूँ चावल है
और सब्जी है, मुझे सब्जी और चावल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं जब भी अगर ऐसा कुछ बनता है तो फटाफट से खा लेती हूँ। दाल मैं उतना नहीं खाती, चावल में मुझे यही अच्छा लगता है, नहीं तो फ्राई चावल खाती हूँ। तो चलिए मैं खा के आप लोग से मिलती हूँ। सो आज काफ़ी दिनों बाद मुझे ये समोसा खाने को मिला है, और इसमें क्या है ना, इसमें फिल किया होता है मैगी, तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए खाते हैं हम, बहुत दिनों बाद मैं खा रही हूँ, बहुत दिनों बाद। ये रहा हमारा समोसा, और ये पिट्टू यहाँ खाने के लिए रेडी। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग खा के।